दहेज के दानवों ने एक महिला की जान ले ली। समाज में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध माना जाता है, लेकिन बेटी को हर सुख संपत्ति के लिए और खुशहाल देखने का ख्वाब हर परिवार का होता है। वहीं कानपुर देहात के रहने वाले रविंद्र कुमार ने कुछ ऐसा ही सपना देखा था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी की खुशियों पर बहुत जल्द ही ग्रहण लगने वाला है। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालजनों ने अपनी बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आए दिन घर वालों से पैसे लेकर आने की बात करने लगे। पहले तो नेहा ने बहुत दिनों तक अपने ससुराल की यातनाओं के बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि नेहा यातनाओं से बीमार हो गई। और फिर जिसके बाद नेहा के परिवार ने जब नेहा से फ़ोन पर बात की तो पता चला नेहा काफ़ी बीमार है। पूरा मामला जब नेहा के परिवार वालों को पता चला तो नेहा के परिवार में ससुरालजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दहेज के लोभी ससुरालजनों ने नेहा के पिता और उसके परिवार की एक न सुनी। झूठी आश्वासन के बाद भी नेहा को रखा तो लेकिन आए दिन उससे मारपीट करते रहे, जिसके कारण नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और नेहा के पति ने उसके मायके छोड़ दिया और कहा कि दहेज तो कुछ मिला नहीं और इसका इलाज मैं अब नहीं करूँगा, इलाज तुम लोग कराओगे। नेहा का परिवार ने जैसे तैसे अपनी बेटी का इलाज कराया, वह भी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। ससुराल वाले दहेज मांगने की बात करते थे, हमारे बीच नहीं है, दम तोड़ चुकी है और अपनी मासूम बेटी को जन्म देकर चली गई है। नेहा के परिवार वालों ने नेहा के पति और ससुरालजनों पर दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी? हमारी बिटिया की हमने शादी करी थी, अब गई उनकी सितंबर के महीना में थोड़ी तबीयत डाउन भाई, उनने कई दवा ले आओ चल के, ये लोग दवा नहीं लाए भैया, रोड चाप से दवा ले ले, वही तेल की मालिश करी बिटिया को, माओ फेफड़ा फट गओ, अभी बीमारी हालत में अंडार के चले गए, तो हमने कही अब इलाज कराइए कानपुर काशी राम में, हमने डॉक्टर ओ पी राय से ऑपरेशन करवाया 2 महीना हमने रखो। क्या शादी से, जब शादी के बाद क्या प्रताड़ित करते थे बोलो? शादी के बाद प्रताड़ित क्या करते थे, कहते थे मरीज है, खाना अगर बच जाए तो खा लो, न बच जाए। क्या दहेज की मांग करते थे बोलो? दहेज तो भैया आज भी मांग कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है दहेज की, तो आज भी मांग कर रहे हैं। क्या मांगते थे, क्या मांगते? सास कहती थी कही राहुल तुम ना कमाओ, तुम्हारा ससुर तो कही मास्टर है, कमा कमा के देगा खूब, कही बिटिया से हमारे कह जाओ कर्जा ले आओ वहीं से पैसा ले आओ, अब बेटे वहाँ कहे सर्विस गाड़ी में करा लो, कहीं बाप से ले आ गई तब तो सर्विस कराए गाड़ी के सर्विस पैसा।